तो हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र मिश्रा ऑफिशियल पर। और फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि नवोदय विद्यालय में अगर आपको सिलेक्शन देना है और आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मतलब आप क्लास थर्ड में पढ़ रहे हैं, क्लास फोर्थ में पढ़ रहे हैं, क्लास फिफ्थ में पढ़ रहे हैं, और आपको ज्यादा मैथ्स नहीं आती, ज्यादा रीजनिंग नहीं आती, और आप पैसेज यानी गद्यांश को अच्छे से नहीं हल कर पाते हैं, तो किस तरीके से क्या यूनिक मेथड है जिसके थ्रू हमारे बहुत सारे जूनियर्स, क्योंकि मैं अभी क्लास टेंथ में पढ़ रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर में, तो मेरे बहुत सारे जूनियर्स हैं जिनको मैंने खुद भी देखा है, क्योंकि मेरी खुद की कोचिंग सेंटर है, तो मैंने खुद भी देखा है कि वो बहुत वीक थे, लेकिन क्या ऐसा यूनिक ट्रिक उन्होंने अपनाया, या क्या हमने उनको सजेशन दिया, या क्या हमारे सीनियर्स ने ऐसा कुछ किया कि जिसकी वजह से बहुत तेजी से इंप्रूव किए और दो चार महीनों के अंदर ही उन्होंने अपने आप को एक अच्छे लेवल पे ला दिया, और साथ ही साथ उन्होंने क्लास फिफ्थ में जब नवोदय का एग्जाम हुआ तो उसको फोड़ दिया। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले भी बहुत सारे वीडियोस नवोदय के अवेलेबल हैं, उस पे आप जाके उन सबको देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। आज चलिए अब इस पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि एक बच्चा है जो कि बिल्कुल उसको जोर घटाना गुणा भाग मैथ्स में इतनी ही बेसिक नॉलेज है, और रीजनिंग में वो थोड़ा बहुत कर लेता है या नहीं भी कर पाता है, जीरो नॉलेज है, और गद्यांश में तो हिंदी पढ़ने उसको आता है। अब हम एक एक को अच्छे से हैंडल करेंगे। पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए आप देखिए कि जो नवोदय विद्यालय की रिक्वायरमेंट है यानी जो पेपर आता है वो क्या चाहता है आपसे, वो आपसे ये चाहता है अगर आप एंट्रेंस की कोई भी क्लास सिक्स का यानी जो एग्जाम होता है उसका अगर आप कोई एंट्रेंस बुक उठा के देखोगे, चाहे आप परिहंस पब्लिकेशन या लूसेंट या विद्यासागर या किरण कोई भी प्रकाशन अगर आप उठा के देखोगे, तो उसमें जो मैथ्स का लेवल होता है या नवोदय का अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो वो कोई ऐसा बहुत हाई लेवल की चीज नहीं होती है, वो होती है कॉन्सेप्चुअल चीज। कॉन्सेप्चुअल इन द सेंस कि आपको अगर भाग आता है तो क्या आपको दशमलव वाला भाग आता है कि नहीं, वो कॉन्सेप्चुअल हो गया। आपको जोड़ आता है कि क्या आपको दशमलव वाला जोड़ आता है कि नहीं। अगर आपको बहुत सारे चैप्टर्स, उसमें 12-13 चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स आप इजीली कर पाओगे, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले एक महीने के अंदर मैं सारे चैप्टर्स का जो है आपको अच्छे से जो है ट्यूटोरियल भी अपने चैनल पे अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन आज आप कुछ बेसिक जानिए। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप अपने राज्य का, जिस भी राज्य से हैं, वहां पर क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की जो प्राइमरी की बुक होती है ना, प्राथमिक विद्यालय की, उसको आप उठाइए, थर्ड की बुक उठाइए आप, और उसको पूरा अच्छे से मैथ की बुक कर डालिए, फोर्थ की उठाइए कर डालिए, फिफ्थ की उठाइए कर डालिए। आप मेरी बात मानिए कि अगर आपने इन तीनों क्लासों की प्राइमरी की बुक को अच्छे से बना लिया, अच्छे से कर लिया, तो उसके बाद जब आप कोई ऐसा प्रकाशन या लूसेंट अरिहंत किसी प्रकाशन की बुक उठाओगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ हमने काफी अच्छे हद तक जो हमने क्वेश्चन को बना लिया है, मतलब आपको आपके लिए चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, इजीली अवेलेबल लगेंगी कि हाँ अब तो क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी जो है आपको ट्यूटोरियल हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। सारे चैप्टर्स का, मैथ का, रीजनिंग का, सबका मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड करूंगा कंसिस्टेंटली। अच्छा, तो आपको क्या करना है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की जो प्राइमरी की बुक है मैथ की, उसको अच्छे से बनाना है। अच्छा, अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए देखिए, रीजनिंग के लिए आपको ज्यादा घबराना नहीं है। रीजनिंग हमने जो देखा है अपने जूनियर्स को या हमारे जो सीनियर्स थे, क्योंकि मेरी ये खुद की कोचिंग सेंटर है, तो उसमें मैंने बहुत सारे जूनियर्स को देखा कि रीजनिंग वो 15 दिन के अंदर कर पाते हैं, 15 दिन के अंदर इजिली वो अच्छे लेवल तक रीजनिंग कर लेते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। तो रीजनिंग का अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका एग्जामिनेशन 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आने वाला है, तो आप रीजनिंग शुरू कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप थर्ड में है या फोर्थ में, मतलब 1 साल का अगर आपका एग्जामिनेशन है, 1 साल बाद है, तो अभी आपको रीजनिंग का प्रेशर नहीं लेना, रीजनिंग के अंदर छोड़ देना है। रीजनिंग क्यों छोड़ देना, क्योंकि वो हो जाएगा। आपको जो सबसे स्ट्रेंथ जो आपको बनानी है वो मैथ्स पे बनानी है। अब बात करते हैं, अगर हम गद्यांश की बात करें यानी पैसेज की, तो आपको पैसेज के लिए धीरे धीरे कोई बुक ले लो आप। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अरिहंत की बुक ले लो तो बेस्ट है, या लूसेंट की ले लो तो भी बेस्ट है। आप उससे हिंदी पढ़िए, और उसी में आपके जो क्वेश्चन आंसर छिपे होते हैं, उसी क्वेश्चन के आंसर उसी में छिपे होते हैं पैसेज में, उसको आप इजीली वहां से निकाल लो और लगाना शुरू करो। धीरे धीरे होगा, इंप्रूवमेंट होगी धीरे धीरे। और मैं एक और आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की हिंदी की बुक जो आती है प्राइमरी विद्यालय की, उसको अगर आप पढ़ लोगे, तो आपका जो एक जो है थिंकिंग लेवल है, जो आपकी मेंटालिटी है, आपका जो सोचने का जो तरीका है, उसमें भी बहुत ज्यादा चेंजिंग आएंगे। तो आज के लिए बस इतना। आपको क्या करना है कि आपको अभी से थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की प्राइमरी की बुक अच्छे से बना लेनी है। रीजनिंग का भी आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है, और गद्यांश के लिए आप हिंदी वाली जो बुक है उसको अभी बनाओ,
इतना करने के बाद आप किसी नए प्रकाशन की किताब खरीदना और तब जब आप लगाना शुरू करोगे तो आपको ही लगेगा कि आप कुछ अलग इंसान हो चुके हो मैथ्स के फील्ड में, रीजनिंग के फील्ड में।